जबलपुर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जबलपुर पुलिस सतत चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में गढ़ा पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक भारी मात्रा में सोने के जेवरात लेकर ऑटो से गढ़ा की ओर जा रहा है, जहां सूचना पर तत्काल कार्रवाई किए जाने टीम गठित करते हुए घेराबंदी करते हुए हुलिये के आधार पर ऑटो से आ रहे युवक को पुलिस ने पकड़कर उसका नाम पता पूछा, जिसने अपना नाम सौरभ जैन बताया। वहीं उसके बैग की तलाशी लिए जाने पर युवक के पास 5 किलो सोने के जेवरात पाए गए, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया गया। वहीं पुलिस ने युवक को मौके से हिरासत में लेते हुए सोने के जेवरों को जब्त करते हुए आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि युवक सौरभ जैन इंदौर का रहने वाला है। वहीं उसने बताया कि वह जेवर व्यापारियों को बेचने के लिए आया हुआ था, लेकिन उसके पास जेवरों को लेकर कोई भी वैध दस्तावेज नहीं होना पाया गया। वहीं जेवर की कीमत लगभग 3.25 करोड़ रुपए है। वहीं इस संबंध में आयकर विभाग को भी सूचना दी गई है, जहाँ आरोपी युवक से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। देखिए, गढ़ा थाने में कल सूचना प्राप्त हुई थी, उस पर FST की जो टीम है वो एक्टिवेट हुई और उसमें करीब 5 किलो सोना पुलिस की टीम ने पकड़ा है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ है। उसमें एक व्यक्ति सौरभ जैन, पिता नरेंद्र कुमार जैन, निवासी सुदामा नगर अन्नपूर्णा इंदौर, इनको पुलिस ने अरेस्ट किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया गया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे ही आगे के फैक्ट्स आएंगे तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे।